और मुख्यमंत्री जी जब जाके बैठते हैं तो अच्छी बातों को ग्रहण भी करते हैं। हम इतना मिला है, गिनती का वोट होता है, गिनती के इसमें तो जो ज़्यादा मेंबर बना लिया अपने पक्ष में उसकी विजय हो जाए। बहुत मंत्री ऐसे भी हैं जो अफसर लिख के दे दिया, वो गलत सलत अपना पढ़ भी गए, रामायण उठा कर लाए, गलत जवाब भी आता है, काम नहीं हुआ रहता है, अफसर लिख दिया हो गया तो सरकार उसी को मान लेती है, ना होगी जांच करा ले। बिहार में 5 सीट पर MLC के चुनाव हुए हैं और परिणाम जो निकल कर सामने आया है, महागठबंधन मजबूती से उभर कर आई है। खबरों की माने तो महागठबंधन 3 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और NDA 1 और प्रशांत किशोर के द्वारा चलाए जा रहे जनसुराज यात्रा का भी परिणाम निकला है। सारण से एक प्रत्याशी जीत कर सामने आए हैं। ऐसे में हमारे साथ महेश्वर सिंह हैं, निर्दलीय MLC जीत कर आए थे और इनका भी क्षेत्र वही है। आपके क्षेत्र से तो इस बार अजूबा निकल कर सामने आया है परिणाम। लोग के दिमाग में ये तो अब जनता का मत है, लेकिन जो परिणाम आया है तो आश्चर्यचकित है। हालांकि 1.5-2 महीना टाइम दोनों चंपारण में प्रशांत किशोर जी दिए थे और लोग से जब हम फीडबैक लिए तो मेरा ही लोग है वो जादव, अगर जादव हैं तो उनका भी कहना था कि हम लोग प्रशांत किशोर को हम लोग वोट देंगे, तो संदेश पहुंचा, लोग का मत है अपना कर दिया है। और चंपारण कभी भी नया रास्ता दिखाता है, चंपारण गांधी जी की कर्मभूमि रही, जयप्रकाश आंदोलन का शुरुआत लोग उस समय कहता था कि बिहार भी गुजरात बनेगा, चंपारण शुरुआत करेगा, और ठीक है बीतिया मोतिहारी स्टेशन से लड़ाई शुरू हो गया यहाँ पर और पूरे हिंदुस्तान में बदलाव हो गया उस समय। तो चंपारण हरदम कोई नया राह, नया आंदोलन खड़ा करता है। हमको लगता है कि राजनीति का कोई नया राह नहीं खड़ा हो जाए, ये प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को जीतना ये मामूली बात नहीं है, इसका मतलब जो कहीं ना कहीं जनता का झुकाव। 2024 चुनाव को लेकर लोकसभा की तैयारियां हो रही हैं, 40 सीट भाजपा जीतने का दावा करे, अमित शाह का लगातार दौरा, अभी हाल ही में चंपारण में अमित शाह का दौरा हुआ था और उसी क्षेत्र ने परिणाम को पलट दिया, दोनों सीट हार गई भाजपा वहां से। तो गिनती का वोट होता है, गिनती के इसमें तो जो ज़्यादा मेंबर बना लिया अपने पक्ष में उसकी विजय हो जाती है। मान लीजिए इतना टीचर है लोग हरसिद्धि विधानसभा पर, हम शिक्षकों की समस्या रही बता रहे थे, धरना प्रदर्शन वोटर थे और गए थे तो मात्र 39 वोटर वहाँ पर थे। और शिक्षक की समस्या भी कम नहीं है, शिक्षक की समस्या है, लेकिन मान लीजिए कि अगर शिक्षक की समस्या है तो पक्ष में जाते या विपक्ष में जाते, ये तो नया राह खुला है ना, तो प्रबुद्ध वर्ग है, कुछ सोचा होगा लोग। हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि चंपारण बराबर एक नया राह पैदा करते रहता है। अभी हाल ही में सत्र खत्म हुआ है, आप लोग सदन में लगातार कार्रवाई में भाग ले रहे थे, क्या लगा कि जनता के मुद्दों को सरकार देख रही है इस सदन के सत्र में? देखिए बहुत ऐसे मुद्दे हैं और मुख्यमंत्री जी जब जाके बैठते हैं तो अच्छी बातों को ग्रहण भी करते हैं। हम इतना मिलाए हैं, अब जब विधायक थे उस समय भी जो जो क्वेश्चन बढ़िया उठता था वो सब, जैसे 17 घाट पुल का सवाल हम उठाए थे और दिमाग में बैठ गया, तो 17 घाट पुल, ये सवर्ण आयोग जो बना है इसके लिए हम 30 मिनट विधानसभा डिस्टर्ब हो गया था, मेरा ही सवाल था कि सवर्णों की स्थिति को जानिए, उसमें भी बहुत गरीब लोग हैं और मुख्यमंत्री जी ने सवर्ण आयोग का गठन कर दिया। तो ऐसा है कि कुछ अच्छी जो बातें हैं सरकार उसको ग्रहण करती है। और मान लीजिए मुख्यमंत्री जी नहीं है और बहुत मंत्री ऐसे भी हैं जो अफसर लिख के दे दिया, वो गलत सलत अपना पढ़ भी रहे हैं। अब जैसे देखे कि शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है और 4,000 करोड़ से 40,000 करोड़ बड़ा, इतना बड़ा बजट, 40,000 करोड़ रुपये का बजट, और वहाँ पर वो शिक्षा पर बहस न करके वो रामायण उठा कर लाए थे, रामायण पर भाषण दे रहे थे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री काम करना चाहते हैं लेकिन मंत्रालय के लोग हैं वो काम नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए गठबंधन की सरकार तो
कुछ मुख्यमंत्री जी को जो अच्छा लगा वो अपने से रखे। विजय चौधरी जी बहुत अच्छा प्रश्न जवाब और लोगों को संतुष्ट करते हैं। वैसे कुछ और मंत्री हैं जो सही जवाब दे पाते हैं, लेकिन बहुत हैं जो लिख पढ़ कर आएगा उसी पर बोलेंगे, वो सही बात भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि जल नल मोतिहारी में 11 वार्ड में नहीं लगा है, मेरा ही क्वेश्चन था और सरकार का जवाब आ गया कि नहीं वो समाप्ति के कगार पर है, तब गलत जवाब भी आता है, काम नहीं हुआ रहता है, अफसर लिख दिया हो गया तो सरकार उसी को मान लेती है, ना होगी जांच करा ले, जांच करा ले, जो सवाल पर ये है तो विधानसभा का कमेटी बना दे, अपना रिपोर्ट दे देगा कि अफसर झूठ बोला है कि सही बोला है, ये सब काम हो नहीं पाता है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, उसको कैसे देखते हैं? एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं, लगातार बिहार में सांप्रदायिक दंगा आगे बढ़ रहा है। देखिए ये बिहार है, और एक बात देख लीजिए कि जो कटिहार में हो रहा है, जो किशनगंज में हवा चल रही है, वही हवा भभुआ में चल रहा है, और देखिएगा कि इधर जो नवादा में जो हवा है वही हवा चंपारण में चल रही है। इसका प्रचार कौन करने जाता है कि जनता के दिमाग में बढ़ जाता है? तो जब समय आएगा, जनता निर्णय ले लेगी अपना कि हम कौन हमारे लिए काबिल है, और ये देश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, और देश के मुद्दे पर जब सवाल उठता है तो जनता का दूसरा मत होता है, और बिहार स्तर पर उठता है तो बार बार देखे हुए कि जनता का दूसरा, वही जनता का मत, दोनों जगह अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग मुद्दा। अब जैसे 77 में आपको चंपारण में चुनाव हुआ, रामापति बाबू जनता पार्टी से जीत कर गए, और 3 महीने बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय 11 विधानसभा था, तो 9 पर कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दल जीत गए और 2 पर जनता पार्टी जीत गई। ये तो सब अलग अलग चीज़ है, देख लीजिए कुछ दिन के बाद में तो अपने पता चल जाएगा। और ये बिहार है, बदलाव होगा इसमें क्या होगा देख लीजिए, हम बहुत बात तो नहीं बता सकते लेकिन इतना कह सकते हैं कि बिहार है ये अपने ढंग से प्रबुद्ध लोग हैं, राजनीतिक चेतना वाले लोग हैं, और कोई राह तो निकलिए जाएगा बहुत आराम से। देखिए बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो मुद्दे अलग अलग होते हैं, चाहे राज्य सरकार की बात कर ले या केंद्र सरकार की, लेकिन इस बार जो MLC चुनाव में परिणाम आया है वो अलग आया है, और ऐसे में 2024-25 की चुनावी तैयारी में जो पार्टियां लग चुकी हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक सीख है। देखना यह होगा कि 2024 की तैयारी में इस चुनाव का क्या फ़र्क पड़ता है, और इस परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या अन्य दल अपने समीकरण, अपने वोट बैंक और साथ ही अपने रणनीति में क्या बदलाव करती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।